हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको थीसिस के बारे में बताऊंगा कि थीसिस किस तरीके से लिखी जाती है, थीसिस में कितने चैप्टर होते हैं, थीसिस हमें कहाँ से मिलेगी, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि थीसिस कहाँ पे अपलोडेड रहती है, चाहे वो वेटनरी की हो, चाहे वो एग्रीकल्चर की हो, चाहे वो एलाइड सेक्टर फिशरीज की हो, है जेनेटिक या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की हो। तो किसी भी थीसिस रिसर्च पेपर या जर्नल हमें कहाँ से मिलता है, तो इसके लिए आपको गूगल पे बस कुछ ही नहीं, जनरली टाइप करना है कृषि कोष। जब आप कृषि कोष टाइप करते हैं तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस हमारे सामने आता है। ये कृषि कोष एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ आपको डिफरेंट जर्नल्स, डिफरेंट थीसिस और जितना भी रिसर्च वर्क होता है, उनके रिसर्च पेपर है, वह सब आपको यहाँ एक ही साइट पर अवेलेबल हो जाते हैं। और जितने भी आईसीआर से रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं उन सब की, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ हमें हर तरीके की थीसिस अवेलेबल हो जाती है। यहाँ थीसिस अगर आपको कोई पर्टिकुलर सर्च करनी है तो आप इस सर्च बॉक्स में जाके सर्च कर सकते हैं। अगर आपको जैसे कोई टॉपिक मिल गया है, उस टॉपिक पे अगर आपको थीसिस देखनी है तो आप यहाँ जनरल जाके टॉपिक का नाम लिखिए। जैसे मैं लिख देता हूँ स्टडी ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी असेसमेंट ऑफ सीडेड। अगर मुझे इस टॉपिक पे थीसिस चाहिए तो मैं इसको सर्च करूंगा। सर्च करने के बाद यहाँ कई सारी जो है थीसिस ओपन हो जाएगी, थीसिस टाइटल या थीसिस ओपन हो जाएगी। इस टाइटल की जितनी भी थीसिस थी वो यहाँ ओपन हो चुकी है। हम किसी भी एक को खोलकर इजीली उसको देख सकते हैं, या फिर हमें अगर ऑथर का नाम पता है, कोई आपके सीनियर की थीसिस है, तो उस हम यहाँ से खोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरा नाम टाइप करता हूँ और उसे सर्च करता हूँ, तो यहाँ मेरी थीसिस वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ आपको बहुत वैरायटी मिल जाती है और ये हेल्पफुल होती है कि किस तरीके से हमें हमारा रिसर्च वर्क आगे करना है, किस तरीके से थीसिस लिखनी है। ये देखो, ये मेरी पर्सनल थीसिस है, स्टडी ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी असेसमेंट फॉर सीड एंड इट्स कंपोनेंट ट्रेट इन मूंगबीन, ठीक है। तो यहाँ से आपको इस थीसिस को आप ओपन कर सकते हैं। चलिए मैं ओपन करके दिखा देता हूँ इस थीसिस को। तो ये कुछ इस तरीके से थीसिस का फर्स्ट पेज जो है कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर बस ये टॉपिक का नाम होता है, बाकी जिस यूनिवर्सिटी से आपकी थीसिस होती है वो सब यहाँ जनरल इंफॉर्मेशन होती है। इसके बाद सर्टिफिकेट फर्स्ट आता है। यहाँ पर सर्टिफिकेट फर्स्ट और सर्टिफिकेट सेकंड ये सब में कॉमन ही होता है, इसमें ज्यादा कुछ देखने की बात नहीं है। एक आता है एक्नोलेजमेंट। एक्नोलेजमेंट वो एरिया है जहाँ हम किसी को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमारे इस थीसिस वर्क में, इस रिसर्च वर्क में हमारी हेल्प की है। तो यही वो एक एरिया है जहाँ हम उस पर्टिकुलर इंसान का नाम मेंशन कर सकते हैं हमारी थीसिस के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट आता है इंडेक्स। ये इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। थीसिस के अंदर मेनली 6 चैप्टर या 6 चैप्टर इंक्लूड होते हैं, इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, मटेरियल, मेथड, रिजल्ट, डिस्कशन एंड लास्ट वन समरी, कंक्लूजन एंड सजेशन फॉर फर्दर वर्क। इन 6 चैप्टर में ही नंबरिंग की जाती है। इसके बाद बिब्लियोग्राफी, बीटा, अपेंडिक्स वगैरह कई सारी आगे चीजें होती है, हम एक एक करके समझते हैं। देखो यहाँ इंडेक्स के बाद लिस्ट ऑफ टेबल्स आ जाती है। अगर लिस्ट ग्राफ अगर आपके थीसिस में है तो लिस्ट ऑफ ग्राफ्स का भी आपको यहाँ देना पड़ेगा कि ग्राफ कौन से पेज पर है और किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो यहाँ डिफरेंट टेबल्स और ग्राफ्स का इंडेक्स आ जाता है। इसके बाद एक सिंबल, जो भी हम थीसिस में एब्रीविएशन यूज करते हैं, सिंबल यूज करते हैं, उन सब का डिटेल हमें थीसिस के स्टार्टिंग में देना होता है ताकि सब इजीली से उसे समझ पाए। जीसीवी का मतलब जेनेटिक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है ना, एचआई का मतलब हार्वेस्ट इंडेक्स है। तो हम कुछ शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं थीसिस के अंदर, तो उन्हें यहाँ पर दिखाना जरूरी है उनका फुल फॉर्म क्या है। तो ये एब्रीविएशन के लिए टेबल होती है। फर्स्ट चैप्टर आता है इंट्रोडक्शन। ये यहाँ से थीसिस लिखना शुरू होता है। इंट्रोडक्शन के अंदर जिस भी टॉपिक पे हमारी थीसिस होती है, या तो जिस भी क्रॉप पर है, या जिस भी एनिमल पर है, जिस भी
फिश पर है, किसी पर भी जो है अगर हमारी थीसिस है तो हमें उसे पहले जनरली उसका इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये थीसिस मूंगबीन पर है तो हमने पहले इस पे मूंगबीन के बारे में लिखा, उसकी थोड़ी बॉटनी लिखी, उसकी फैमिली कौन सी है ना, पोलिनेशन किस तरीके का है, टेम्परेचर कैसा चाहिए, तो उसका एनवायरमेंट कैसा चाहिए उसे ग्रो करने के लिए, ये सब हमें जनरल इंफॉर्मेशन थोड़ी लिखनी पड़ती है। क्या क्या राइजोबियम जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रही है क्योंकि लेग्यूम क्रॉप है इसके लिए, है ना, इसकी बोटनी हो गई, फाइव पिटेलस, टेन डाइट डेल्फस, 9+1 का स्टेमेन होता है, तो इस तरीके से जनरल बोटनी, जनरल उसके बारे में इंफॉर्मेशन। उसके अलावा उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो हमें प्रोडक्शन एरिया ये सब उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर जो भी होता है वो हमें यहाँ देना पड़ता है। जैसे यहाँ पर दे रखा है इतना एरिया है इंडिया में, इतना प्रोडक्टिविटी है, इस तरीके से हमें हर चीज के लिए देना पड़ेगा। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन हो गई। इसके बाद हम इंट्रोडक्शन में और क्या लिखते हैं, इसके बाद समझने से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन के लास्ट में आते हैं। इंट्रोडक्शन के लास्ट में यहाँ हम ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। ऑब्जेक्टिव लिखा जाता है कि हमारा जो रिसर्च वर्क है वो किन किन ऑब्जेक्टिव को लेकर, किन किन ऑब्जेक्टिव के मद्देनजर किया जा रहा है, किन किन ऑब्जेक्टिव को सामने रखा जा रहा है, तो इन ऑब्जेक्टिव के अनुसार आगे का इंट्रोडक्शन लिखा जाता है। जैसे इस थीसिस में जेनेटिक वेरिएबिलिटी है ना, एसोसिएशन एनालिसिस या कोरिलेशन, पाथ एनालिसिस और डायवर्जेंस, जेनेटिक डायवर्जेंस को देखा गया है या इसकी ऑब्जेक्टिव ये है, इन पे इनका रिसर्च वर्क है, तो हमें इन चारों चीजों का जनरल इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा कि ये चीजें क्या होती है और इससे हमें क्या पता चलता है। तो यही सब चीजें यहाँ इंट्रोडक्शन में, जब हम उस पर्टिकुलर क्रॉप, स्पीसीज या कोई एनिमल जिस पे भी हमारी थीसिस है उसका जनरल इंफॉर्मेशन देने के बाद हमें इस ऑब्जेक्टिव का जनरल इंफॉर्मेशन देना है कि जीसीवी क्या है, पीसीवी क्या है, है ना, पाथ एनालिसिस क्या होता है, जेनेटिक डाइवर्जेंस क्या है, पाथ कोफिशिएंट एनालिसिस क्या है, डाइवर्जेंस क्या है, तो इनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन कि इनको किसने दिया था, इनसे क्या होता है, इनसे क्या चीज हमें पता चलेगी अगर हम इसको एनालाइज करेंगे, इसका हम रिसर्च करेंगे तो इससे हमें क्या चीज मिलेगी। तो ये जनरली इंट्रोडक्शन होता है किसी भी थीसिस का फर्स्ट चैप्टर होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो थीसिस का दूसरा चैप्टर शुरू होता है, दैट इज रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर यहाँ इसका मतलब है कि जो आप थीसिस पे वर्क कर रहे हैं, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव है उस पर पहले क्या काम हो चुका, पहले लोगों ने क्या फाइंडिंग करी है, उस सब का एक जनरली छोटा सा रिव्यू यहाँ रहता है। जैसे इस थीसिस के ऑब्जेक्टिव है, इस टाइप के ये ऑब्जेक्टिव थे, तो इस ऑब्जेक्टिव के सीक्वेंस में ही एक एक दो टॉपिक के लगभग 10 से 15 हमें रिव्यू लिखने पड़ते हैं। जैसे हम देखें जेनेटिक वेरिएबिलिटी, तो यहाँ इसमें थोड़ा दिखा दिया गया है कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी क्या होती है, इसके बाद इसके रिव्यू शुरू होते हैं। जैसे कमलेश्वर एटोल 2013, कमलेश्वर एटोल का मतलब है कि इसके सहयोगी, कमलेश्वर एवं इनके सहयोगी ने 2013 के अंदर ये स्टडी की कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन्होंने स्टडी की 100 किलोग्राम सीड वेट, है ना, इन्होंने देखा कि हाई हेरिटेबिलिटी शो करता है, तो इस तरीके से इनकी थोड़ी बहुत स्टडी जो है उसका ब्रीफ रिव्यू यहाँ पर लिखा जाता है। इस तरीके से नरसी मुलू है ना, रेखा एटोल है, वीरेन सिंह है, तो कई सारे हम 10 से 15 एक टॉपिक के आराम से लिख सकते हैं। ये हमें कहाँ से मिलेंगे, इसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा कि किस तरीके से रिव्यू लिखा जाता है, किस तरीके से उसकी बिब्लियोग्राफी लिखी जाती है। अभी हम एक बार समझ लेते हैं थीसिस में क्या क्या होता है। तो दूसरा चैप्टर रिव्यू ऑफ लिटरेचर का होता है, जिसके अंदर हमें यह पता चलता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव पर, इस पर्टिकुलर क्रॉप पर या इस पर्टिकुलर स्पीसीज पर क्या रिसर्च वर्क हुआ है और किसने क्या फाइंडिंग करी है, तो उससे हमें हेल्प मिलती है कि हमारा रिसर्च वर्क किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो इस तरीके से हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर को यहाँ लिखते हैं। तो ये दूसरा चैप्टर होता है, सभी टॉपिक के लगभग 10 से 15 हमें रिव्यू लिखने पड़ते हैं। तीसरा जो चैप्टर आता है, दैट इज मटेरियल एंड मेथड। इस चैप्टर के अंदर हम थीसिस जो वर्क है वो हमारा कहाँ हुआ है, थीसिस वर्क कहाँ हुआ है, थीसिस के अंदर हमने जो भी क्रॉप ली है उसकी कौन सी वेराइटी यूज करी है, है ना, इसके अलावा एनवायरमेंटल कंडीशन क्या थी वहां की, जियोग्राफिकल कंडीशन क्या थी वहां की,
कौन कौन सी हमने स्टेटिस्टिकल टूल्स यूज किए हैं, क्योंकि एनालिसिस करने के लिए स्टेटिस्टिकल टूल्स का उपयोग करना जरूरी है। तो वो सब चीजें जो हमने हमारे रिसर्च वर्क के लिए जरूरी समझी है और उपयोग में ली है, उन सभी का हमें डिटेल यहाँ देनी पड़ती है इस चैप्टर के अंदर, वो सब यहाँ डिटेल लिखी होती है। साइट से लेकर सोइल है, सीजन है ना, ये रेनफॉल का टेबल है कि जब हमारा रिसर्च वर्क हुआ था तब रेनफॉल कैसी, क्या रेनफॉल इंडेक्स था, किस तरीके की कितनी mm रेन हुई थी, है ना। तो इससे कोरिलेट किया जा सकता है कि हाँ अगर हाई यील्डिंग आ रही है, क्योंकि अगर अच्छी रेन बारिश हुई होगी तो यील्ड में भी इंक्रीजमेंट हो सकता है। तो यहाँ से भी हम उसको रिलेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, जैसे थीसिस के अंदर 60 वेराइटी ऑफ मूंग बीन या ग्रीन ग्राम की यूज की गई थी, तो वो हमें यहाँ सब डिटेल को लिखना है कि कौन कौन सी वेराइटी यूज की है। एक्सपेरिमेंटल डिटेल सारी लिखनी होती है कि हमने 60, ये जीनोटाइप बोलते हैं हम इसे, 60 वेराइटी है। डिजाइन हम इसमें एक यूज करते हैं, स्टेटिस्टिकल डिजाइन यूज होती है, या तो किसी के आरबीडी यूज होती है, किसी के कंप्लीटली ब्लॉक डिजाइन होती है, सॉरी कंप्लीटली रेंडमाइज डिजाइन, सीआरडी होती है, किसी के स्प्लिट प्लॉट होती है, किसी के स्प्लिट स्ट्रिप प्लॉट होती है। तो कई तरह की डिजाइन अलग अलग यूज होती है। इस थीसिस में आरबीडी यूज की गई थी 3 रेप्लीकेशन के साथ और रोज लगाई गई थी। ये सब थोड़ी डिटेल होती है कि किस तरीके से एक्सपेरिमेंट हुआ है, ऑब्जर्वेशन क्या क्या रिकॉर्डेड किए हैं उन सब का डिटेल, और किस तरीके से रिकॉर्ड किए हैं। डेज टू 50% फ्लावरिंग का मतलब क्या है, कब 50% फ्लावरिंग को आपने ऑब्जर्व किया है, ठीक है। तो इस तरीके से इस चैप्टर के अंदर हमें सारी डिटेल देनी पड़ती है कि जिस पर हमारा रिसर्च वर्क किस तरीके से हमने कंप्लीट करा। इसके अलावा फिर स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, क्या क्या आपने स्टेटिस्टिकल एनालिसिस यहाँ लगाए हैं, वेरियंस, कोफिशियंट ऑफ वेरियंस, है ना, हेरिटेबिलिटी, एडवांस, इन सबके जनरल बेसिक फॉर्मूले, और ये हमें क्या बताते हैं, और इन्हों का किसने हमें इसकी जानकारी दी है, किसने इसकी डिस्कवरी की है, कौन इसके फादर है। तो ये सब थोड़ा जनरल इंफॉर्मेशन, ताकि कोई अगर थीसिस आपकी पढ़े तो उसे समझ में आ जाए कि अच्छा ये चीजें इन्होंने थीसिस में यूज करी है। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हम केवल यही देखते हैं कि किस तरीके से रिसर्च वर्क कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है रिजल्ट, रिजल्ट या फाइंडिंग्स भी हम इसको कहते हैं। फोर्थ चैप्टर होता है और ये ही किसी भी थीसिस का समरी होती है, सार होता है। हर कोई अगर थीसिस, कोई जानने वाला अगर थीसिस देखेगा उस पर पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, तो वह रिजल्ट और फाइंडिंग्स को ही देखता है कि क्या रिजल्ट मिला है। यहाँ रिजल्ट हमें जब हम एनालिसिस करके आते हैं तो उसे डिफरेंट तरीके से फिर यहाँ लिखना पड़ता है कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ डेज टू 50% फ्लावरिंग इस वेराइटी में मिली, इसकी यील्ड हमें ज्यादा मिली, है ना। तो इस तरीके से हमें ये रिजल्ट लिखना पड़ता है। इसके अंदर हम पूरा जो हमने एनालिसिस करा है, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, उसका पूरा डाटा सहित हमें यहाँ डिटेल मेंशन करनी पड़ती है। इस तरीके से ये रिजल्ट वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट जो, अब ये इसका रिजल्ट की जो लैंग्वेज है, ये तुम जब तुम्हारी टॉपिक और ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड थीसिस देखोगे पुरानी, तो उससे तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके का यहाँ पर लैंग्वेज लिखी जाती है और किस तरीके से डाटा को मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट जो चैप्टर आता है वो डिस्कशन का आता है। रिजल्ट के जस्ट बाद जो चैप्टर आता है, फिफ्थ चैप्टर हमारा, वो डिस्कशन का चैप्टर है। एक बार हम उसे देख लेते हैं। डिस्कशन, डिस्कशन के अंदर है कि इस रिजल्ट को डिस्कस किया जाता है किसी दूसरे के काम के साथ, उसको मैच किया जाता है। जैसे हमने जेनेटिक वेरिएबिलिटी अगर देखी, तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी किस, पहले पे जो काम हुआ है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी ऑफ मूंग बीन पर जो काम हुआ है वो, और हमारा जो रिजल्ट है वो किससे मैच हो रहा है, वो हमें यहाँ मेंशन करना पड़ता है। तो हमें रिजल्ट का ही थोड़ी बहुत समरी यहाँ लिखनी पड़ती है और उसको कोरिलेट करना पड़ता है किसी पहले जो काम हो चुका उनके साथ। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो देखो, नीलेश एट ऑल 2017 इवेल्यूएटेड 20 जीनोटाइप ऑफ ग्रीन ग्राम
है ना, इन्होंने भी ऐसा काम किया था और ये इस काम के साथ मैच करता है, इस काम के साथ ये रिलेटेबल है ना, रिलेटेड है। तो इस थीसिस में जो काम हुआ है वो इनके काम के साथ थोड़ा मैच करता है, ये हमें डिस्कशन के अंदर शो करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्कशन लिखा जाता है। ये हम रिव्यू के अंदर से ले सकते हैं, हमने जो रिव्यू ऊपर लिखे थे उसमें हम एक-एक को अगर पढ़ेंगे तो उसे हम समझ में आ जाएगा कि कौन सा जो है हमारे वर्क के साथ मैच कर रहा है, तो उसको कोरिलेट करके हमें यहाँ लिखना पड़ता है। इसके अलावा डिस्कशन के बाद इस तरीके से हम डिस्कशन सभी टॉपिक का अलग अलग लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर आता है समरी कंक्लूजन एंड सजेशन फॉर फर्दर वर्क, इसके अंदर जो हमने रिजल्ट और डिस्कशन लिखा है उसकी समरी लिखा जाता है। ये चैप्टर इसलिए है कि अगर किसी को पूरी थीसिस पढ़ने का टाइम नहीं है, उस थीसिस का क्या समरी निकल रही है, उसका क्या सार है, वो इस चैप्टर को पढ़ के समझ सके, तो इस चैप्टर को इस तरीके से तैयार किया जाता है ऊपर वाली डिटेल से ही, ताकि जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स है उनकी फाइंडिंग्स जो हमें मिली है उसे हम यहाँ पर डाल सके। ठीक है, तो ये सजेशन और सजेशन फॉर फर्दर वर्क, हमने जो भी वर्क में प्रॉब्लम्स देखी है या और हम चाहते हैं कि इस तरीके का वर्क और किसी एनवायरमेंटल कंडीशन में हो और किसी जीनोटाइप के साथ हो, तो हम इसको सजेशन फॉर फर्दर वर्क के अंदर उसको वहां मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके के इस चैप्टर में कंक्लूजन होता है कि आपकी पूरी थीसिस जो है, आपने जो रिसर्च वर्क करा है उससे क्या कंक्लूजन निकला है ना, तो उस कंक्लूजन को यहाँ हमें बहुत ही समरी टाइप में, बहुत ही छोटे रूप में पूरी थीसिस को लगभग 2-3 पैराग्राफ के अंदर हमें कंप्लीट करना पड़ता है। ये कंक्लूजन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी थीसिस के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से सजेशन फॉर फर्दर वर्क होता है कि कौन सी वैरायटी अच्छी थी, इनका हमें किसी दूसरे एनवायरमेंटल कंडीशन में यूज करना चाहिए, इस तरीके से। ये मेजर चैप्टर थे थीसिस के। चैप्टर के बाद हमने यहाँ इस थीसिस के अंदर जो भी नाम, जिस भी साइंटिस्ट का नाम, जिस भी रिसर्चर का नाम, जिस भी स्टूडेंट का नाम या किसी का भी नाम हमने अगर इसमें मेंशन करा है, तो हमें यह जरूरी हो जाता है उसकी जो हमने नाम लिया है या उसका जो हमने रिसर्च वर्क लिया है, जो हमने उसका रिसर्च पेपर लिया है, वो कहाँ से लिया है, किस जर्नल से लिया है, उसका रिसर्च वर्क कहाँ छपा हुआ है, ये हमें मेंशन करना होता है। तो ये बिब्लियोग्राफी के रूप में हम उसको मेंशन करते हैं। बिब्लियोग्राफी मतलब एड्रेस होता है, ये एक तरीके से एड्रेस होता है। इस एड्रेस पर कि कहाँ पर ये प्रेजेंट है, जैसे अगर हमने कोई भी नाम, जैसे रेखा एटोल हमने ऊपर देखा था, तो यहाँ रेखा एटोल का हमने आर पे जाकर अगर देखे, ये जो है ये जो है अल्फाबेटिकली लिखे होते हैं, ए बी सी डी ई एफ, इस टाइप से अल्फाबेटिक, जैसे रेखा एटोल था वहां, तो एटोल तो हमने वहां के लिए लिख दिया था, लेकिन यहाँ अगर हम जब लिखेंगे तो एटोल में उसके कौन कौन हेल्पर थे, कौन कौन सहायक थे, उन सबका नाम लिखा जाता है, उसके बाद उनका ईयर लिखा जाता है, फिर उनका जो रिसर्च वर्क था उस टॉपिक का नाम लिखा जाता है, ये उनका टॉपिक था, उसके बाद उनका रिसर्च वर्क जिस जर्नल में छपा है उस जर्नल का नाम लिखा जाता है ना, उसकी कौन सी वॉल्यूम के अंदर वो छपा है, उसके कौन से पेज पर उनका रिसर्च वर्क है। तो हम इस पैराग्राफ से इस पर्टिकुलर, जैसे ये रेखा है, इनके रिसर्च वर्क पर हम पहुंच सकते हैं। हमें कुछ ही नहीं, जनरल एक टाइप ये जनरल खोलनी है, आंध्र प्रदेश जनरल ऑफ एग्रीकल्चर, इसका वॉल्यूम ये खोलना है 1, और इसके पेज नंबर 29-32 पर हम देखेंगे तो हमें इस टॉपिक का लिखा हुआ एक रिसर्च वर्क हमें वहां पर मिल जाएगा, रिसर्च पेपर हमें मिल जाएगा, तो ये हमने वहां से लिया। इसी तरीके से जितने भी नाम हमारी थीसिस में आए हैं, चाहे वो किसी साइंटिस्ट के नाम हो है ना, चाहे स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के अंदर चाहे किसी का भी नाम आया हो, जैसे जेनेटिक एनालिसिस बायोमेट्रिकल मेथड, कल्याणी पब्लिशर न्यू दिल्ली, ये इन्होंने दी थी, तो इन सबको हमें यहाँ मेंशन करना होता है, ये बिब्लियोग्राफी होती है। अब रिव्यू और बिब्लियोग्राफी कैसे बनाई जाती है ये मैं एक नेक्स्ट अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट जो आता है वो वीटा आता है। वीटा के अंदर हमें जो इस थीसिस का ऑथर है उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो ये थीसिस जो है एक
रिव्यू है कि थीसिस इस तरीके से लिखी जाती है और इस तरीके से थीसिस में चैप्टर इंक्लूड होते हैं। ये उनके लिए है जो यूजी करके आते हैं, और फिर पीजी में स्टार्टिंग में हमें पता नहीं होता है कि किस तरीके से थीसिस लिखी जाती है। तो आप इसको देखिए और अपना रिसर्च वर्क चालू रखिए। इसके आगे जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो रिव्यू कैसे बनाए जाते हैं, किसी कोर्स से थीसिस कैसे डाउनलोड की जाती है, तो कई तरीके के और थीसिस वर्क पे वीडियो मैं लेके आऊंगा। देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।